सदगुरुनाथ भगवान की जय। हम लोग गीता के 61वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तानि सर्वानि संयम में युक्त आशित मत परा वशे ही इष्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये सभी तानि सर्वानि संयम्य, भगवान कहते कि पूर्णता मनुष्य, अब विषय के ऊपर बहुत परमात्मा ने यह ध्यान योग के विषय के ऊपर चिंतन करते हुए हमारे जीवन में हम लोग हमारी विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बाकी कहां से कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने विचार भी आपके हाथ में नहीं है, उस विचार के बाहों में बहते भाई अपना पूरा जीवन समय उसी में निकल गया। खाने पीने की चीजें देखते तो जुआ मुंह में पानी आता है, नेत्रों से कोई वस्तु देखते तो उसमें आकर्षण बढ़ता है, कानों से कोई चीज सुनते हैं तो उसके प्रति इच्छा जागृत होती है, कर्मेंद्रियों को आंखें नहीं है लेकिन ज्ञानी इंद्रियों को हर एक अंग में आंखें हैं। ज्ञानी इंद्रिय जब हमारे साथ में चलते समय ज्ञानी इंद्रिय जिस तरह से संकेत करते उस तरह से कर्मेंद्रिय, जैसा भूख लगना है और कई लोगों को अन्न देखने के बाद भूख लगती है, कई लोगों को सुनने के बाद भूख लगती है, कई लोगों को सुगंध सूंघने के बाद भूख लगती है, मतलब कान ने उसका आभास करने के बाद भूख लगी, नाक ने सुगंध के बाद भूख लगी, आंखों ने देखने के बाद भूख लगी। जीवा के पास आंख नहीं है लेकिन ये दोनों तीनों इंद्रिय ऐसे हैं, ये आपको अपने आप को हमेशा जागृत रखता है। तो मैंने आज कहते कि बाह्यांतर और आत्मांतर, बाह्य जगत के विषय में जब हम लोग निरंतर चिंतन करते हैं तो परमात्मा ने कहा कि भाई वो बाहर की चीजों को देख कर ही वो आकर्षण बढ़ेगा और उसमें अगर संयम हो जाए, ये एक साधना का प्रकार बताया। वशे ही यश इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब इन सभी चीजों से आप वश करोगे, आप दुनिया को वशीकरण के साथ अपने बस में बनाना चाहते हो, अपने परिवार के सदस्यों को अपने आज्ञा अनुसार चलाना चाहते हो, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, तहसील के लोग, जिले के लोग, देश के लोग, एक प्रधानमंत्री को अगर पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि सारे के सारे 100 करोड़ मेरे आज्ञा अनुसार काम करें। विधायक को लगता है कि मैं एक बार जीता हूं तो मरते दम तक हारूं नहीं। घर का व्यक्ति, मैं इतना काम करता हूं तो हर एक सदस्य मुझे आज्ञा नहीं दे, मैं उनको आज्ञा प्रदान कर दूं। लेकिन ये सारे बातें सुनने के बाद आपका मन आपकी बात नहीं सुनता है तो दुनिया कहां से सुनेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सभी चीजों से हम लोग अपने आप को संयमित करें और संयमित करने के बाद तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते लेकिन अपनी बुद्धि की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो युगो युगो तक, जब तक मंदिर नहीं टूटता है तब तक रहता है, लेकिन आपकी प्रज्ञा सुबह से लेकर शाम तक रोज विचार बदलते हुए अपने परिवर्तन करती रहती है। और भगवान ने क्या कहा कि भगवान कहते कि ये सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई लेश मात्र भी विषय बचा हुआ है तो वह विषय भी समूल, जिस तरह से पेड़ की जड़ को उखाड़कर सूर्य को दिखाई जाए तो पेड़ फलता नहीं कहते हैं, इसी तरह से अपनी वासनाओं की पूर्ण जड़ उखाड़ कर उस परमात्मा को दिखा दिया जाए, आपके वासनाओं में किसी प्रकार का विचार नहीं है, आपका मन बुद्धि इंद्रिय आंख वाणी मन या श्रवण किसी भी प्रकार से उन विषयों पे न जाना, ये आत्म तत्व की अनुभूति है। और इसमें से थोड़ा भी कुछ बचाना
तो ये आत्म तत्व में बाधकता बताई है। भगवान कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशेन्द्रियानि, इंद्रिय जब वश हो जाए तब जाकर आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होकर उन सभी, लेकिन उसमें अगर थोड़ा भी, जैसा कोई व्यक्ति थोड़ा सा जहर पी ले तो धीरे 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 करते हुए आदमी को क्षण क्षण उसमें निरंतर समाप्त करता है। मैं आपको बताऊं, सर्प एक बार काट ले तो एक जीवन खराब करता है, और वासना रूपी विष आपके मन में अगर बसा हुआ रहे तो आपके जन्म जन्मांतर खराब करता है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, इन सभी अवस्था से निकल कर वासना रहित आप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। आगे क्या कहते हैं, 62 और 63 श्लोक भगवान ने कहा, ध्यायतो विषायन पुंसा संगास्तते पुष जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात मृति स्मृति विभ्रमा, मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात पश्यन्ति। अब ये श्लोक में कई बार भागवत में इसके बारे में आपके ऊपर चिंतन कर चुका हूं। ध्यायतो विषायणु पुंसा, अब हम लोग कैसे हैं, कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है तो उसके विषय में पूरा पिक्चर बनाती है, कोई पुरुष किसी स्त्री को बना देखता है तो उसके विषय में पूरी पिक्चर बनाती है, जबकि उसका शारीरिक मिलन और वैचारिक मिलन एक में को देखने के बाद उसी के विषय में उसके मस्तिष्क में वो प्रतिष्ठा चलती है। परमात्मा कहते हैं कि भाई इन सभी विषयों के ऊपर आपका उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा, ध्यायत विषायनु पुंसा, ये विषय रूपी उसका ध्यान करना ही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी गलती बताई। और उन्होंने कहा ध्यायत विषायनु पुंसा संगस्त पुष जायते, पुष जहां उसमें निरंतर हम लोग अपने आप को जब उसी के साथ में, जब जन्म वासनाओं के साथ में जन्म लेना। अब मैंने कहा कि कर्म ज्ञानेंद्रिय सोचता है और कर्मेंद्रिय करता है, तो जब हम लोग अपने जीवन में ज्ञानेंद्रियों के साथ, आपके ज्ञानेंद्रिय भी उधर ही बैठे हैं और आपके कर्मेंद्रिय भी उसी मार्ग पे चलने लगते हैं। भगवान ने कहा कि भाई बताओ, हम लोग यहाँ बैठे बैठे किसी भी स्त्री पुरुष पुत्र पति पत्नी भाई बहन माता पिता उसके बारे में सोचने से आपको क्या प्राप्त होगा, आपका समय बिगड़ेगा। और उस तरह के, अब जिसको हम सोचते हैं कि पहले हम लोग देखते थे, कई संतों ने उदाहरण दिया, ऊंट जब बबूल खाता है तो उसके साथ कांटे भी खाता है, और कांटे खाते समय उसके कांटे उसके जिबान में चिपक जाते हैं और उसके साथ रक्त निकलता है। रक्त निकलने के बाद उस बबूल के घास के साथ जब वो रक्त निकलता है तो उसको बड़ा स्वाद महसूस होता है, और उस स्वाद में उसको लगता है कि ये बबूल के पत्ते बड़े स्वादिष्ट है, जबकि उसके मुख से निकला हुआ रक्त उसमें मिलने के कारण स्वाद लगता है। इसी तरह से हमारे जीवन में, या कुत्ता कोई हड्डी चबाता है तो उस हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन उस हड्डी चबाते समय उसके मुख का रक्त निकलता है, उसको स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से भगवान ने कहा घाव तो उसी को होगा, उसको घाव दिखता नहीं है, या फिर किसी को दाद हो जाए तो इतना खुजा खुजा कर रक्त निकालता है और उसमें से फिर जलन होने लगती है। इसी तरह से जब आप अपने मन को बहुत विषय के बारे में ध्यान करोगे तो उस व्यक्ति के अपने आप में पतन होने लगता है। हमको उन सभी विषयों के ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए, भगवान ने कहा। भगवान कहते कि अपने जहां विषयों का लेश मात्र भी आपकी स्मृति शेष रह जाए तो उन सभी विषय की संगति ही अपने जीवन में करा देती है। कहते ना कि सर्प अंतिम कितना भी माउस की पूछ हिले, मुंह हिले, या सर्प का मुख भी काट जाए तो अपने काटने के लिए जिसने मारा उसके पीछे दौड़ता है। श्रोताओं, अपने मन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी विषय अगर आपके मन में बसा हुआ है तो उसको वासुदेव नहीं मिलेगा। और भगवान आगे कहते हैं, काम वासना जब उत्पन्न हो जाती है, अब काम वासना के उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपने बहुत मन में संकल्प किया, जैसा कोई व्यक्ति पानी पी ले, पानी पीते पीते किसी ने रोक दिया, ये हाथ मत लगाना रख दे,
तो वहां क्रोध अपने आप ही आ जाता है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, तेरी क्या औकात है? उसकी सारी बातें हम लोग उसको बताते, वही अपने आप को उसकी सारी औकात दिखा देते कि मैं मुझे जानता नहीं है। जब कोई भी काम, संसार के काम जब आप असफल होने लगते हो तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में सारी असफलता है, मेरे जीवन में सारे दुख है। ये सगे भाई है काम और वासना। पहले वासना उत्पन्न होती है, अब आपको किसी मालिक के से पैसे लेना है, वासना उत्पन्न और वहां जब गए नहीं दिया तो क्रोध आता है, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए कितना किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, और उसने मेरे लिए क्या कर किया। ये जब वासना उत्पन्न हो जाए तो वहां जब अपने आप एक क्रोध आता है। भगवान ने कहा कि एक मेघ के साथ में अपने आप में ही जब अंतकरण में नाना प्रकार की क्रोध पहले ही आता है, और क्रोध जा आता है वहां उसके साथ अविचार अपने आप ही आने लगता है। देखो, क्रोध करना किसी विषयों के ऊपर ये जायज हो सकता है, लेकिन उस क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। आप सारे लोगों को पूछ लो, उसके लिए रोना ही है, पश्चाताप ही करना है, दुख ही भोगना है, अपने आप में माफी ही मांगना है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन सभी ये तीन चीजें, एक सभी पहले विषयों का ध्यान करना, विषयों का ध्यान करने के बाद उसके साथ में ही क्रोध आता है, जब क्रोध जब आने लगता है तो उसके पास में विवेक बुद्धि नहीं रहती है, विवेकता उसकी अपने आप ही नष्ट हो जाती है। आप कभी कभी दो आदमी को क्रोध में आप जब समझाने जाते हो तो वहां का एटमोस्फेयर ऐसा रहता है कि समझाते समझाते आपको भी क्रोध आता है। भगवान ने यह कहा कि अपने जीवन में अर्जुन इन सभी तीन चीजों से सबसे पहले उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ ये है कि आपकी वासना, और वासना के जड़ के साथ में उसके जो पल्लव है वो उसका क्रोध है, और उस क्रोध के साथ में फिर अविचार है। आज लोग हत्या कर देते हैं क्रोध में, फिर बाद में जब जेल में जाता है तो उसको लगता है यार मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, उसके थोड़े कुछ, लेकिन उस समय तो उसके क्रोध उसके मस्तिष्क में इतना हावी हो जाता है, उसको समझ नहीं पड़ती है। जेल में जाने के बाद उसको लगता है कि नहीं ये मैंने बहुत गलत किया, बेटा बेटी पति पत्नी परिवार पैसा समाज सब उसको जब स्मरण आता है जेल में कारागृह में, तब जाकर उसको पश्चाताप होता, लेकिन उसने क्रोध में काम किया, बाद में पश्चाताप करने से क्या मतलब। भगवान ने ये कहा कि ये तीनों चीजें हम जितना भी काम करते हैं अर्जुन उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जैसे प्रचंड वायु हवा जितनी तेज आती है तो हवा तेज आने के बाद जलते हुए दीपकों को भी नष्ट कर देता है, इसी तरह से क्रोध रूपी अग्नि जब अति प्रज्वलित होती है तो आपके सारे इंद्रिय शिथिल होकर वो क्रोध में काम करने के लिए मजबूर करता है। आज घर दार परिवार पति पत्नी माता पिता ये सब टूट क्यों रहे, इनके कोर्ट में केस क्यों चल रहे हैं, इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, ये क्रोध का परिणाम। और क्रोध के परिणाम में जब उसकी विवेक बुद्धि नष्ट होने के बाद फिर चरम सीमा पे पहुंचने लगता है, वैचारिक धारा विषय वहां उत्पन्न हो गया, विषय में क्रोध आ गया, और क्रोध में फिर अविवेकता उत्पन्न आ गई, और अविवेकता में उसकी जो नाना प्रकार की अपने आप सब नष्ट होकर उसके परिणाम आपको पता है क्या परिणाम हो सके, विष पीने के बाद का परिणाम आपको पता है क्या है। इसी तरह से विष रूपी विषय जब आपके मस्तिष्क में अपने आप बने रहते, कई बच्चे हम लोग देखते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आने का मूल कारण क्या कि उसके मस्तिष्क के ऊपर बहुत विषय हावी है, वो जो चाहता है वो हो नहीं पा रहा है, उसके कारण उसका मन हल्का करने के लिए आज हम लोग गोली का सहारा लेने लगते हैं। उसने इस पराकाष्ठा में जाकर सोचा है कि वो डिप्रेशन में जाता है। आज आपकी बीपी बढ़ती है वो डिप्रेशन का एक परिणाम है। आप नाना प्रकार के बातों में अब भाई शाम का 10-10 साल के विषय में जाकर सोचते हो, आप अपने राइट काम न करने के कारण रॉन्ग काम करने से आपके विचारों की प्रवाह बहुत अधिकता बनी रहती है, ये एक डिप्रेशन का प्रकार है। और आपको बताऊं, एक रूम में बैठकर अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं पागल हूं पागल हूं पागल हूं तो महीने भर में वो पागल हो जाएगा, ये मन का विषय है। तो भगवान ने कहा कि मुझे ये बताओ, अभी हम लोग जितने भी चाहे बूढ़े हैं या तरुण है या बालक है, कौन पॉजिटिव सोचता होगा। आज आप लोग मुझे जितने सुन रहे हैं,
आप मुझे बताओ, आप एक भी व्यक्ति बताओ कि आपके मस्तिष्क में कोई पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिविटी आपके साथ में है, नहीं है, उसके कारण दुख। अब जो व्यक्ति मिले उस व्यक्ति को अपने अपने दुख की बातें करता है, मैं जानता हूं। हर एक व्यक्ति को अपने अपने कष्ट है, किसी को धन का कष्ट है, किसी को परिवार का कष्ट है, किसी को पति का कष्ट है, किसी को पत्नी का कष्ट है, किसी को बेटे का कष्ट है, किसी को बेटी का कष्ट है। कारण वो जिसने उतनी अपेक्षाएं रखने के कारण उस अपेक्षाओं में न उतरना, ये भी एक विषयों का चिंतन है। कभी कभी आप अपने आप को इतना विषयों में डुबा देते हो कि आपको रात रात भर नींद भी नहीं आती है, उसने आपको आप स्वास्थ्य खराब कर देते हो आप। वो तो उसने तो अपनी गलतियां करके चला गया, लेकिन उस आपने अपने किए हुए कर्मों के ऊपर सोच सोच के रात रात कई रातें बिगाड़ दी, साले बिगाड़ दिए, दिन बिगड़ गए। ये एक विषयों का विषयांतर का है। और इसलिए कहा कि भगवान कहते हैं कि इन बातों में, किसी भी फालतू की बातों में सोचना, ये हमारे जीवन में जैसे कमर में पत्थर बांधकर कुएं में कूदने जैसा काम है। एक महाराज जैसे पहले लोग हम लोग देखते थे, कमर में पत्थर बांधते थे और मरने के लिए कुएं में कूद जाते थे, क्योंकि ऊपर नहीं आ पाते थे इतने वजन के साथ में। यही आपके मस्तिष्क में, वो कहते हैं ना, चलते रास्ते में जितना बोझ होगा उतना रास्ता बहुत भारी लगता है, और जितना खाली होकर चलोगे उतना ही आप सुखी होकर चलोगे। आपके जीवन में आप बताओ, आपको चलते रास्ते आपके माथे के ऊपर बोझ दिया है, और बोझ देते हुए किसी ने कहा कि 25 किलोमीटर चलना है। हम लोगों ने देखा कि नर्मदा परिक्रमा में कई लोग बोझ लेकर चलते तो उनको 20 किलोमीटर बहुत दूर लगता था, ऐसा लगता था। कहा महाराज जी, तपनजी भाई साहब के ऊपर गुस्सा हो जाते, मेरे ऊपर कहते महाराज जी आपने पहले नहीं बताया, 32 किलोमीटर चलाया, 30 किलोमीटर चलाया, 25 किलोमीटर चलाया, क्योंकि बोझ हमारे पास बहुत है। तो जितना आप अपने शरीर के ऊपर बोझ लेकर चलोगे उतना रास्ता भारी लगता है, और जितना हल्का कर चलोगे उतना आपको सुविधाजनक लगेगा। इसलिए जीवन रूपी रास्ता, आपके मस्तिष्क में जितने संसार रूपी बोझ है उतना आपको जीवन में बहुत समस्याएं दिखेगी, और इसको निकाल कर फेंक दो तो आपके जीवन में आपके बरसा बड़ा कोई सुखी नहीं है। एक बात नवनाथ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की एक बात मुझे याद आती है, मच्छिंद्र बड़ी लंबी लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चलूंगा। मच्छिंद्र नाथ जी ने विवाह किया, उनसे उनको दो संतान हुई, और जब गोरक्षनाथ जी गए तो गोरक्षनाथ जी ने उनको कहा कि महाराज एक काम करो, उन्होंने उनके पत्नी ने उनको सोने की ईंट दे दी। उधर चोर उचक्के लुटेरे बहुत थे, बार बार गोरक्षनाथ जी से पूछते मच्छिंद्र नाथ जी, गोरक्षनाथ कोई भय तो नहीं, कोई भय तो नहीं। गोरक्षनाथ जी को समझ में नहीं आता कि संत है, सन्यासी है, इनको भय किस बात का। तो बाथरूम करने के लिए जब मच्छिंद्रनाथ जी गए तो उनकी झोली देखी, झोली में एक सोने की ईंट पड़ी हुई थी। गोरक्षनाथ जी ने वो ईंट उठाकर फेंक दी। फिर बार बार मच्छिंद्रनाथ पूछे, गोरक्षनाथ कोई भय तो नहीं। गोरक्षनाथ जी ने कहा, गुरुदेव भय पीछे रह गया। यही जीवन की सत्यता है। मुझे लगता है कि आपके जीवन की मस्तिष्क में जितने भी विचार है ये भय रूपी ईंट फेंक दो तो आपका भय पीछे रहने लगता है। श्रोताओं, जीवन में यही सत्यता की आभास करते हुए मैं यही कहता हूँ, अपने भगवान ने ये कहा कि एक ही श्लोक के ऊपर भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले, परिवार चलाने वाले, नौकरी करने वाले, किसानी करने वाले, ये लोग अपने आप में बड़े दुखी हो जाते हैं। दिन भर उनके मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में यही लगता है कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, जबकि दुख देखो तो कोई दुख ही नहीं है। ऐसा आप कभी आप अपने आप को सोचना कि मैं दुखी किस बात का हूँ, मुझे दुख किस बात का, ये इसका विचार तो करो। मैं इतना परेशान क्यों हूँ, इतना परेशानी, मेरा मन क्यों मुझे इतना दुखी कर रहा है। इन सभी अवस्था में अगर आप सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चों के खिलौने, जिस तरह से बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं, इसी तरह से संसार में आप दुख अपने माथे में बांध कर रोते हो। ये जरूरी नहीं है। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन अपने मन के मस्तिष्क को थोड़ा खाली कर दो, बर्तन जितना खाली घिसाओगे उतना चमकेगा। और मैं ये कहता हूं कि आपके मस्तिष्क को जितना खाली करोगे उतना ही आपका जीवन चमकेगा। आपके जीवन में
आपके टेंशन करने से कोई किसी भी अवस्था में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको चिंतन करने की जरूरत है। और यही शाह भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इन बातों पे अपन चिंतन करते हुए और नाना प्रकार के विषयों का ध्यान नहीं करना, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य बताया। श्रोताओं समय पूर्ण हो रहा है, मैं यही कहता हूँ इस दो श्लोक के ऊपर थोड़ा चिंतन ज्यादा करूंगा, मैं कल भी इसके ऊपर चिंतन करूंगा क्योंकि एक आधा श्लोक हुआ है, तो कल इसके ऊपर चिंतन करते हुए मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज यहीं विश्राम देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।